एक तरफ जहां लोग लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, तो वहीं बुलंदशहर की खुर्जा नगर पालिका की बड़ी लापरवाही के चलते लोग सड़कों पर उतर आए। बीच रास्ते में गंदगी का अंबार जमा करने वाली नगर पालिका के खिलाफ लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और पालिका प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नगर पालिका मुर्दाबाद, 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 नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश के बाद नगर की गलियों में भी पानी भरने से खुर्जा नगर पालिका के तमाम प्रयास और दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाना तो कोई बुलंदशहर प्रशासन से सीखे। ये तस्वीरें खुर्जा के सरकारी अस्पताल से महज 50 मीटर की दूरी पर किला रोड की हैं, जहां ये गंदगी का अंबार दिख रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जनपद की खुर्जा नगर पालिका ने करीब 20 दिन पहले नाले की सफाई की थी। पालिका ने सफाई तो की, लेकिन उससे जो गंदगी और कचरा बाहर आया वो करीब 20 दिनों से सड़क पर ही पड़ा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को वहां से गुजरने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत खुर्जा उपजिलाधिकारी से भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे परेशान लोग आज सड़कों पर उतर आए और खुर्जा नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्षेत्र में तड़के हुई बारिश से जहां नगर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, तो वहीं कई दिन से पड़ी इस गंदगी में दुर्गंध और मच्छर भी पैदा हो गए हैं, जिससे क्षेत्र में बीमारी बढ़ने का खतरा स्थानीय लोगों को सता रहा है। मामला ये है कि यहाँ विगत 20 दिनों से ये कूड़ा नगर पालिका ने निकलवा कर डलवा दिया है। मेन रास्ता है इस कॉलोनी का। यहाँ इतने लोगों को परेशानी हो रही है कि पल पल पे लोगों पर बीमारी है, कुछ दवाई लेने जाना, दूध लेने जाना, हर बात से लोग परेशान हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई कुछ कहते हैं अधिकारी से, तो अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं। ये रास्ता कहाँ कहाँ के लिए जाती है? ये रास्ता यहाँ से लेके पंचवटी को निकल जाती है, इधर तहसील रोड, रोडवेज के लिए, इधर तहसील के लिए, अनेक जगहों के लिए। आपने किसी उच्च अधिकारी को शिकायत दी? अनेक अधिकारी को शिकायत दी हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपको? ये आप जो आज यहाँ विरोध कर रही हैं, क्या मामला? पूरा गंदगी पड़ी है काफी दिन से निकली और रास्ता नहीं जाने के लिए दिक्कत हो रही है सब लोगों को। क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है आपको? पूरी परेशानी झेलनी पड़ रही है, सब लोगों को दिक्कत हो रही है भैया। मेन रास्ता है क्या? नहीं, मेन रास्ता को बाईपास भी करता है जी। भैया जी, करीब 20 दिन से कीचड़ निकल के नाले में से और बाहर पड़ा हुआ सड़क पे। किसी मरीज को नहीं ले जा सकते यहाँ से, कोई व्यक्ति वैसे नहीं जा सकता। सारे व्हीकलों का रास्ता बंद है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर कोई नहीं जा सकता। दूसरा, इससे जो आने वाली गंदगी यहाँ पड़ी हुई है, इससे मच्छर पैदा हो रहे हैं और मच्छरों से लोग बीमार हो रहे हैं। दूसरा है, बराबर में जो खेती की जमीन है आपके बराबर में, इसमें 2-3 ट्रक आलू डाला हुआ है और उससे आलू से जो है गंदगी हो रही है और उससे मच्छर पैदा हो रहे हैं। एक छोटा छोटा नई किस्म का मच्छर है जो काट के सुझा देता है, है ना, ददोरे से बनवा देता है, और उससे जो लोग बहुत परेशान हैं। इसी आला अधिकारी से शिकायत करी आपने? आला अधिकारी से वैसे एप्लीकेशन भेजी हुई है हमने एसडीएम महोदय को, और लेकिन अभी तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। नगर पालिका द्वारा बड़ी मशीनों से पूरे नाले की सफाई कराई जा रही है और बड़ी मशीन पे जो सिल्ट निकाल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकली है। अभी हम लोगों ने रोडवेज से लेकर सरदार टायर फैक्ट्री तक साफ़ करा दिया है पूरा। अब ये मशीनें हमारी लगी हुई थी और रास्ता थोड़ा पतला होने की वजह से समस्या आ रही है। अब हम लोग आज इसको पुकलेन और डंपर और ट्रैक्टर लगा के इसको जल्द से जल्द साफ करा दिया जाएगा। खुर्जा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अविनाश प्रताप सिंह का कहना है कि बड़ी मशीनों से नगर के कई नालों की सफाई की जा रही है और इन बड़े नालों से भारी मात्रा में गंदगी निकल रही है। नाले से निकली इस गंदगी से बंद हुए रास्ते की खुर्जा के अधिशासी अधिकारी को कोई जानकारी ही नहीं है। अधिकारी का कहना है कि वे खुद मौके पर जाकर उस रास्ते को साफ करवाएंगे जो नाले से निकले कचरे और कीचड़ की वजह से करीब 20 दिन से बंद पड़ा है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, टाइम 24 न्यूज।
अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।